मैं शाहदरा से आया हूँ, मेरा नाम सचिन है। छोटा बाजार से? छोटा बाजार। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है विश्वास नगर के नियर बाय। अच्छा, सामने ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 देखोगे, इसके अंदर हेडलाइट पूरी चेंज कर दी है हमने, इसमें लगा दिया थार लाइट, आपको येलो का भी DRL मिलेगा, सभी देख सकते हो आप, जो कि काफी खूबसूरत से लगते हैं और सेफ्टी भी कर देते हैं। आप अगर इस जगह पे देखोगे तो हाफ आपको देखने को मिलेंगे और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आपको फुल देखने को मिलेंगे, यहाँ और मिल जाते हैं। बार एंड मिरर का ट्रेंड है आजकल, तो जो यहाँ पर मिरर आते हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बार एंड मिरर लगा रखे हैं। मीटियोर 350 का लोगों काफी अच्छा लग रहा है, ये काफी मैच हो रहा है। सो गाइस वेलकम बैक टू SKD वाइबल, कैसे आप सब? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल SKD वाइबल। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, अपने सामने है ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, और जो से मॉडिफिकेशन है वो आपको दिखाते हैं, जो कि इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड है। अगर आप इस पर कराते हो तो एक तो लुक तो इनहेंस होता है, साथ ही में इसकी सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर हेडलाइट पूरी चेंज कर दी है हमने, इसमें लगा दिया थार लाइट माइनस प्लस रिंग वाली, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ब्राइट रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, इसकी जो चमक है बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये चेक करो गाइस, इसमें आपको येलो का भी DRL मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमने स्विच लगाया एडिशनली, ताकि इसका जो DRL है ये तो जलते रहेगा, लेकिन आप इसकी हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, इसका फोकस है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विच लगा रखा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई हेडलाइट, जो है थार लाइट, इसमें काफ़ी सारे डिजाइन और मिल जाएंगे, फोकस काफ़ी अच्छा है इसका। बाकी यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर लगा रखे हैं फोर्क स्लाइडर सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक कलर के, इस साइड से भी देख सकते हो आप, जो कि काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं और सेफ्टी भी कर देते हैं, कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपका ये वाला पार्ट, आपके डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सेफ रहता है। और यहाँ पर लगा रखे हैं व्हील कवर्स, जो कि आप अगर इस जगह पे देखोगे तो हाफ आपको देखने को मिलेंगे और बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आपको फुल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लगा रखे हैं फुल वाले और आगे लगा रखे हैं हाफ वाले, ये चेक करो आप, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और एक बल्की बाइक लगती है यार। वैसे तो ये रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइक्स हैं सारी बल्की हैं, सारी हैवी भी हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराने के बाद और ज़्यादा हैवी लगती हैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको और चीज़ दिखाए तो आते हैं, चलो यहाँ पर आते हैं हैंडल बार पे, तो एक मोबाइल होल्डर लगा रखा है अनब्रेकेबल, तो ये क्या है, एक मोबाइल होल्डर की एक स्टार्टिंग होती है, बाकी अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शन और मिल जाते हैं। बार एंड मिरर का ट्रेंड है आजकल, तो जो यहाँ पर मिरर आते हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बार एंड मिरर लगा रखे हैं रॉयल एनफील्ड वाले, जो आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लुक आ जाता है और काफ़ी अच्छे है, काफ़ी प्रीमियम रहता है। और बाकी ये लुक कैसा लग रहा है ये तो आप ही बता सकते हो, बाकी विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है सिर्फ लुक के लिए, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। बाकी ये टैंक पर डिजाइन भी आप देख सकते हो ग्राफिक का, मीटियोर 350 का लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी मैच हो रहा है, ओवर लग रहा कहीं से भी, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी इस पर क्रैश गार्ड पे भी आप एक बार नज़र डालो, जो कि ये क्रैश गार्ड एक्चुअली में काफ़ी सारी वीडियो में मैं काफ़ी सारे तरीके के लगा चुका हूँ, लेकिन ये ज़्यादा पसंद किया गया अब तक का, जिसमें आपको स्लाइडर मिल जाता है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, जो कि डिज़ाइन ही बता रहा है कि इसको कवर कर लिया है इस इंजन को, यहाँ से आपका बैंड पाइप सेफ, यहाँ से आपका इंजन सेफ, ऑल अबाउट आपकी बाइक सेफ और साथ में आपके लेग्स भी, यानी कि पूरी सेफ्टी है। और अगर मैं आपको इस पर बैठ के दिखाऊँ तो आप एक आइडिया लगा लोगे कि कितनी सेफ्टी है इस पर, ये देख सकते हो दोस्तों, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार ये, ठीक है जी। और अब आते हैं इस साइड में, तो यहाँ आप देखोगे तो साइड स्टैंड जैकेट लगा रखी है, साइड स्टैंड एक्सटेंडर रहता है, जो कि आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का, काफ़ी प्रीमियम है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी करानी चाहिए। गियर सॉक्स लगा रखे हैं, क्योंकि गियर शिफ्टिंग करते करते जूते ख़राब हो जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। PPF लेमिनेशन इस पर हो रखी है पूरी बाइक पे, और व्हील कवर मैंने आपको दिखाई दिया, बैक साइड में आपको दिखा देते हैं, जो कि आराम के मामले में बैक रेस्ट चेक करो, पूरी फिनिशिंग के साथ में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, तो ये इस तरीके से बैक रेस्ट में लग चुका है, और नीचे समगार्ड लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें इसकी और भी हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि आप लोगों को बेसिक सी कुछ चीज़ें करानी चाहिए, तो उसमें कुछ 8-10 आइटम होती हैं जो आप अपनी बाइक में कराते हो, और सेफ्टी वगैरह सब कुछ इसकी इंक्रीज हो जाती है। बाकी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको और मिल जाएंगी अपने पास रॉयल एनफील्ड का, आप लोगों के पास डजंट मैटर कि मीटियोर है या फिर आप लोगों के पास रिबॉन है, इंटरसेप्टर है, GT है या फिर कुछ हिमालयन है, एक बार हिमालयन पर भी दिखाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिमालयन 450 में काम चल रहा है, जिसमें सारा ही काम है, सैडल स्टे हो गया, सेट पेनियर, स्टॉप बॉक्स, क्रैश गार्ड, जेरी कैन, मोबाइल होल्डर, बबल वाइजर, सब कुछ है इससे भाई, तो इसका अलग वीडियो रहेगा, इसका अलग रहेगा। तो ये तो हो गई बाइक की मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, लेकिन आप ये देख लो सस्पेंशन की रबड़ आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगा रखी ताकि इस पर अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। तो ये हो गया, शॉकर बूट इसमें लग गई है। अब बात कर लेते हैं भैया से जिनका ये बाइक था, ये कहाँ से आए थे और वगैरह, जो भी छोटा मोटा जो काम इसमें हुआ है हमारी तरफ से, इनको कितना पसंद आया। तो पहले सर बता दीजिए कहाँ से आए थे आप और आपका नाम क्या है? मैं शाहदरा से आया हूँ, मेरा नाम सचिन है जी। आपका क्या? मेरा नाम जय है, मैं मेरे मामा लगते हैं। अच्छा, शाहदरा किस जगह से आए आप?
छोटा में छोटा बाजार से। छोटा बाजार ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है विश्वास नगर के नियर बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शाहदरा से आप यहाँ पर आए हो और स्पेशली आए थे या कोई वीडियो वगैरह देखी थी? रैंडमली आ गए। सब्सक्राइबर हैं हम। अच्छा, काफी साल हो चुके हैं फॉलो किया आपको। जी जी, सारी वीडियो। तो ये तो खैर बहुत मेहरबानी आप सबके, इतना प्यार देते हो आप शॉप पर आते हो। हम आए थे यहाँ पर, हम काम पर के काम वगैरह कैसा लगा और फिर करते हैं बात। हैप्पी कस्टमर एज ऑलवेज। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा काम करा आपने। एक काम तो भैया ने बहुत अच्छा करा है, वो बताएंगे नहीं हम। वो भैया को पता है। तो अगर मैं ऐसे क्रैश गार्ड की बात करूँ या छोटी मोटी चीज़ों की बात करूँ तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो बाकी गाइज आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को तो आप कह सकते हो। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ट्राई करो, बिल्कुल करो ट्राई आके यहाँ पर। काफ़ी अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, नो डाउट। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की रॉयल फील्ड मिट्टी और 350 की मॉडिफिकेशन, जो कि आप लोगों ने कस्टमर का रिव्यू भी सुन लिया है इसमें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।